वेलकम फ्रेंड माय चैनल ज्योति कैड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने पिकॉक की कर्व लाइन है ना, वो पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। हम यहाँ पे स्विफ्ट 2 से सरफेस बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये। इसका जो मिड पॉइंट है एक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव व्यू में आई, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन ली और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन लगा ली, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ पे रीबिल्ड कर लेना है 4 पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से मैंने इसके पॉइंट्स ऑन किए और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से अप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको पॉइंट्स को ऑफ किया और वापस से मैंने इसको यहाँ पे रीबिल्ड कर लेना है, ठीक है। आप इसको स्मूथ करके भी देख सकते हो क्या रिजल्ट आएगा। मैंने स्मूथ किया, स्मूथ करने से अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वापस से हमने इसको कंट्रोल जेड किया। इसको ऐसे ही रखेंगे हम। अभी यहाँ पे हम स्विफ्ट 2 से सरफेस बना लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड में टाइप किया स्विफ्ट 2, ठीक है। देखो, फर्स्ट रेल को सेकंड सिलेक्ट करना है, सेकंड रेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जहां से ये हमारा कट हो रहा है ना, उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, उसके बाद जहाँ पे ये हमारा खत्म हो रहा है वहां पे वापस से हम पॉइंट लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। देखो, ये हमारा सरफेस बन के आ गया। अभी ये हमारा देखो यहाँ से प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे एड स्लैश करेंगे, ठीक है। एड स्लैश करके हम सरफेस को यहाँ से ठीक कर लेंगे जितना हो सके उतना। और इसको हमने यहाँ पे और करना है, तो यहाँ से थोड़ा और कर लेंगे हम। जितना आप सरफेस को प्रॉपर बनाओगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा हमारा। देखो, ये बन गया हमारा। अभी इसको मैं इसको सॉलिड करना भी बताऊंगी और इसकी स्कूपिंग कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। अभी देखो, इसको हमने यहाँ पे किया एक्सट्रूड सरफेस, ठीक है। अभी इसकी हाइट देनी है हमें, बोथ साइड नो है। मैं ऊपर की तरफ इसकी हाइट दी मैंने 1 mm। अभी देखो, इससे हम जब भी इसको हाइट देंगे तो हमारे पास नीचे ये एक सरफेस बच जाएगा, ठीक है। उस सरफेस का मैंने कलर यहाँ पे रेड दे दिया, ठीक है। अभी देखो, इसका मैंने यहाँ पे वॉल्यूम चेक किया, देखो वॉल्यूम आ रहा है। अभी मैं इसकी यहाँ पे आपको स्कूपिंग करना भी बताऊंगी, ठीक है। इसको भी मैंने हाइड किया और इस जो ये मेरा एक सरफेस बच गया था इसको भी मैंने हाइड किया, ठीक है। अभी देखो, मैं यहाँ से टॉप व्यू में आई, ठीक है। अभी जितना हमें स्कूपिंग करना है, जितना हमें इसका बॉर्डर छोड़ना है, उतना हम ऑफसेट लगा लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका ऑफसेट लगाया 0.6 एंटर। मैं यहाँ पे 0.6 का बॉर्डर छोड़ दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं 0.6 का ही ऑफसेट लगा लूंगी, ठीक है। अभी इन दोनों को मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दिया जो ओरिजिनल लाइनें थी, और उनको मैंने हाइड कर लिया, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ से ट्रिम किया, इस प्रोफाइल को भी मैंने इसमें ही डाल दिया, ठीक है। देखो, ये आ गया मेरे पास इस तरह से। अभी देखो, जो हमारा जो डुप्लीकेट एक सरफेस आया था ना, ग्रीन वाले को मैंने हाइड किया, ये हमारा डुप्लीकेट सरफेस आया था। अभी मैं यहाँ पे टॉप व्यू में आऊंगी, यहाँ से मैंने इसको वायर फ्रेम कर दिया, ठीक है। इस सरफेस को सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर लूंगी, ये जो मैंने ऑफसाइड की लाइनें लगाई थी इनके साथ, और जो ये बाहर वाला सरफेस मेरा, इसको कट कर लूंगी, ठीक है। तो देखो, ये इस तरह से मेरा आ गया। अभी मैं ये ग्रीन वाली लाइन ये डिलीट ही कर देती हूँ, ठीक है। अभी देखो,
इसको मैंने यहाँ से अनहाइड किया। अभी जितना इसको हमने खाली करना है उतना हम इसको हाइट दे देंगे, ठीक है। अभी इसको भी मैंने वापस से यहाँ से एक्सट्रूड सरफेस, इसको मैंने यहाँ से यूजर कलर रेड किया, बोथ साइड यस किया, 0.5 एंटर, अभी देखो यहाँ पे भी मेरा एक सरफेस बच गया होगा। इस वाले सरफेस को मैंने ये वाला कलर दिया और इसको लॉक कर दिया, ठीक है। और इस वाले सरफेस को मैंने ये जो पॉली सरफेस है इसको अनहाइड कर लिया, ठीक है। अभी इन दोनों को हम बुलियन डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। इसको पकड़ा मैंने और इसके साथ मैंने यहाँ पे इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। देखो ये मेरा हो गया स्कूप। इसका भी मैं वॉल्यूम चेक कर लूंगी यहाँ से, देखो ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर की जो लाइन थी वो यहाँ से उसके साथ ही वो हो गई। अभी यहाँ से इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी मैंने एक सिंगल लाइन ली इस तरह से, इसको मैंने यहाँ पे रिबिल्ड किया 4 पॉइंट से, पॉइंट्स ऑन किए, हाइट दी, पावर ऑफ किया। अभी मैंने इसको यहाँ से रीबिल्ड किया वापस से, और वापस से मैं यहाँ पे स्विफ्ट 2 से सरफेस बना लूंगी। देखो बन गया ये। अभी इसको जितना मैंने हाइट देनी है उतनी मैं हाइट दे दूंगी, ठीक है। अभी मैंने इसको किया ऑफसेट सरफेस नहीं सॉरी, इसको भी मैं इसी से हाइट दूंगी, एक्सट्रूड बोथ साइड नो, ऊपर की तरफ किया मैंने 0.5 एंटर। इसको मैंने यहां से किया प्लास्टिक, इसको मैंने हल्का सा इस तरफ, ये मेरे पास एक नीचे सरफेस बच गया है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं आईज के लिए कुछ यहाँ पे मैंने इसको 1.5 एंटर, इसको बड़ा छोटा जैसे मर्जी करना है आप कर सकते हैं, मैंने आपको ये एक तरीका बता दिया है। इसको भी आप ज्यादा हाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे